सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. मौसम में बदलाव के साथ ही इसका असर शरीर की पाचन प्रणाली और इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है. ऐसे में बरसात का मौसम आते ही आपको अपने आहार में जरूरी बदलाव कर लेने चाहिए. तो इसीलिए जानते हैं क्या क्या बदलाव जरूरी है. इस मौसम में किसी भी प्रकार का आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की आशंका बढ़ जाती है, उन्हें खाने से परहेज करें. आप किसी भी प्रकार के नॉनवेज या मशरूम खाने से बचें. अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अचार इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना होगा. सॉस कम ही मात्रा में खाएं क्योंकि ये पेट आपका फुला सकता है. बहुत ठंडा तरल पदार्थ नहीं पीना है आपको. ठंडा और कच्चा खाने के बजाय गर्म खाना ही खाएं तो बेहतर होगा इस मौसम में. अधिक से अधिक पानी पिएं लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें. भारी फल सब्जियाँ जैसे कि पालक मूली प्याज लहसुन इत्यादि इस मौसम में ना खाएं. इस मौसम में कम से कम मेवे खाएं. अपने खाने में फल सलाद और जूस को शामिल करें. तरल पदार्थ अधिक लें और घर का बना हुआ खाना ही खाएं. बाहर के तले भुने खाने से जितना हो सके परहेज करें. नींबू पानी शरबत लस्सी इत्यादि बना करके पिएं. हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है खास करके बरसात के मौसम में कि हल्का और पौष्टिक आहार लें और ख़ास करके सूप जैसी चीज़ें और दलिया जैसी चीज़ों का सेवन इस मौसम में सबसे बेस्ट रहता है. अन्यथा सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी मौसम में लोगों को होती हैं. तो इन बातों को ध्यान में रख करके स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें. और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले. लाइक कीजिए अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो हम आपके सभी सवाल पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में आप सभी के सवालों के उत्तर जरूर दें एपिसोड के माध्यम से. अब मिलते हैं आप सभी से एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में. वीडियो के अंत तक आप हमसे जुड़े हुए हैं इस बात की बेहद खुशी है हमें. दिल से धन्यवाद आप सभी का. नमस्कार मित्रों.